हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम चैप्टर कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की हमारी कई क्लासेस हो चुकी हैं हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट का गारंटी ऑफ प्रॉफिट की हमारी सेकंड क्लास है अगर आपने अभी तक इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं आप जाकर पहले फर्स्ट क्लास देखो फिर आपको ये क्लास समझ में आएगी ठीक है चलिए आज की क्लास स्टार्ट और और एक बात बतानी थी कि अगर आपने इस चैप्टर की क्लासेज नहीं देखी है तो मैं मेरे चैनल पर जाकर आप प्ले में ट्वेल्थ क्लास की प्ले खोलकर आप सारे टॉपिक्स के देख सकते हो ये चैप्टर पूरे पूरे टेन मार्क्स का है इसीलिए आप इसको आराम से करें और धीरे धीरे करते रहें कोई जल्दीबाजी नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं पिछली क्लास की बातें थोड़ी सी आपको याद दिला देना चाहता हूँ देखिए जरा गारंटी का मतलब मैंने क्या बताया था गारंटी का मतलब होता है अश्योरेंस देना किसी पार्टनर को या फर्म को कि मिनिमम उसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा फिर मैंने कहा था गारंटी दो तरह के दो तरह से आपके सामने आएंगी गारंटी गिवन बाय फर्म या गारंटी गिवन बाय पार्टनर अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं मानूंगा गारंटी गिवन बाई फर्म होगी और फर्म का मतलब क्या है रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी होगी किस रेशियो में दी होगी अपने प्रॉफिट में और गारंटी गिवन बाई पार्टनर है अगर तो फिर इसमें हो सकता है या तो वन पार्टनर ने दिया हो या मोर देन वन पार्टनर ने दिया हो ठीक है फिर मैंने कहा था कि अगर किसी केस में गारंटी का शेयर uh, का अमाउंट उसका एक्चुअल शेयर जो है वो गारंटेड अमाउंट से ज्यादा आता है तो उसे एक्चुअल शेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा अब इसका मतलब मैंने बताया था कि जैसे मान लो किसी को आपने फोर्टी की गारंटी दी है कि तुझे कम से कम फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट मिलेगा लेकिन उसे एक्चुअली जब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो उसका फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट मिल रहा था तो इस केस में उसको फिफ्टी थाउजेंड पूरे दे दिए जाएंगे ठीक है ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और इसको इस टॉपिक को करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आना जरूरी है उसका भी आ, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ना भी दूँ तो आप देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लेना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी ठीक है चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं ये लो क्वेश्चन नंबर वन पहला क्वेश्चन देखो ए बी सी पार्टनर्स हैं शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइव फोर वन में ये इनका रेशियो है सी इज गिवन अ गारंटेड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को एक गारंटी दी गई है कि मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है वुड बी एट लिस्ट फाइव थाउजेंड पर ईयर उसे कहा गया कि तुझे कम से कम फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट दिया जाएगा ठीक है और कोई भी अगर डिफिशियंसी आती है डिफिशियंसी का मतलब अगर इससे कम पैसा आ, कम शेयर उसका आता है तो बॉर्न बाई ए एंड बी इक्वली इन्होंने कहा कोई भी डिफिशियंसी आई तो ए और बी इक्वली तो पेमेंट कर देंगे और प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है फोर्टी थाउजेंड रुपीज तो सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसका शेयर आ कितना रहा है और जिसके लिए हमने क्या करना है एक अकाउंट एक एक बनाना है बताओ कौन सा अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड एक लॉस एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ये लो मैं अकाउंट बनाता हूं आप साथ साथ कॉपी में नोट भी कर रहे हैं तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी और नोट्स आपके सामने अच्छे से बन जाएंगे ठीक है अब देखो जरूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस क्लास मुझसे लेते हो या जहां भी आप फेस टू फेस क्लास लोगे या मेरे से लेते हो या जिस जहाँ भी लोगे, तो अगर आपके ये सारे टॉपिक पहले से क्लियर रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें आराम से ठीक है इसीलिए आप नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं होगी आपकी आप जरूर ध्यान से पढ़ें नेट प्रॉफिट आ गया आपके सामने अब आप मुझे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का तो जरा देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट को बांट के देखें प्रॉफिट को बांटते हैं रेशियो कितना है फाइव रेशियो फोर रेशियो वन तो इसके हिसाब से इन तीनों में बांटते हैं नाम है ए बी और सी रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट कितना है फोर्टी थाउजेंड तो पहला रेशियो फर्स्ट कितना है फाइव अपॉन में सबका टोटल यानी टेन फिर कितना फोर्टी थाउजेंड फोर में टेन और फिर फोर्टी थाउजेंड वन बाई टेन ठीक है तो जरा देखते हैं कितना कितना आ गया ये तो ये कितना आ गया बताओ ये हो गया फोर थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अब जरा देखो C की कंडीशन देखते हैं C के बारे में बात करते उजेंड रुपीज कम से कम मिलेंगे लेकिन सी को मिले कितने सिर्फ और सिर्फ फोर थाउजेंड तो अब जरा इसके हम यहां पर कैलकुलेशन करते हैं अगर आपने पिछली क्लास मेरी देख रखी है तो ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी कि कि इसको तो हो खुद आप खुद भी कर सकते थे फिर भी मैं करा रहा हूं चला देखो सी <coughs> का गारंटेड अमाउंट क्या है सी का गारंटेड अमाउंट सी का गारंटेड अमाउंट कितना है बेटा फाइव थाउजेंड ठीक है उसको एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट कितना मिल रहा है एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट बताओ उसका प्रॉफिट के अंदर एक्चुअली शेयर कितना आ रहा है वो आ रहा है फोर थाउजेंड तो कितने पैसे कम पड़े बताओ वन थाउजेंड रुपीज कम पड़े जिसको हम किस नाम से जानते हैं डिफिशियंसी के नाम से ये क्या आ गई हमारे हमने डिफिशियंसी अब इस डिफिशियंसी को कौन पे करेगा यहां पर लिखा है कि अगर किसी भी तरह की कोई डिफिशियंसी आती है तो ए और बी पे करेंगे इक्वली तो ये डिफिशियंसी ए और बी देंगे ठीक है तो ए और बी पे करेंगे तो फटाफट से देखो कि ए और बी अगर पे करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे इन्होंने कहा है कि ए और बी जो पे करेंगे वो पे करेंगे इक्वली ठीक है तो जरा देखते हैं रिकवरी कराएं रिकवरी फ्रॉम ए एंड बी ए एंड बी से कितनी कितनी रिकवरी कराई जाएगी बताओ ए से कितनी और बी से कितनी equally की बात कर रहे तो 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 हो गए फाइव हंड्रेड रुपीज और यहां पर भी कितना आ गया फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है अब हमें करना क्या है ये जो हमने रिकवरी कराई है इनके शेयर से डिटेक्ट करके सी को दे देना है तो यहां से फाइव हंड्रेड डिटेक्ट कर दो और यहां से भी फाइव हंड्रेड और इसको पूरे कितने आ जाएंगे वन थाउजेंड तो ये हो इसके पूरे पूरे शेयर हो गए फाइव थाउजेंड रुपीज यहाँ पर हो गए फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहां पर हो गए नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बात समझ आ गई आपको अगर आप कुछ भी दिक्कत हुई है तो वीडियो को वहां से दोबारा से बैक करके आप देख सकते हैं ठीक है तो इसको हम यहां पर शो करेंगे तो फटाफट से अकाउंट में शो कर देते हैं क्या लिखते हैं बताओ मैंने पहले भी सिखा रखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर ट्रांसफर करना है आपको कैपिटल अकाउंट में और नाम क्या इनके ए बी सी यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर वन लिखना नहीं भूलना ठीक है तो यहां से देख लो कितना हो गया नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है तो ये हो गया फोर्टी थाउजेंड रुपीज ओके और भी बातें करते हैं कुछ अगर ऐसा हो के आपके स्कूल के टीचर्स या फिर <coughs> अगर आप किसी और टीचर से फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं हो सकता है कि वो ये प्लस माइनस जो मैंने यहाँ कर रखा है वो उसको इस अकाउंट के अंदर करके दिखाते हो तो वो भी ठीक है ये भी ठीक है बट मेरा मानना है ये ज़्यादा ठीक है क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा किचपिच नहीं होती है बाकी आप दोनों तरह से कर सकते हो कोई भी इशू नहीं है आप लड़ने मतलब जाना कि ऐसा कैसे करा दिया उनको ठीक है ओके बात समझ में आती है चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर टू अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेबल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर टू और आज थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा मैं आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या आ रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस थ्री रेशियो टू रेशियो वन ठीक है दे अर्न अ प्रॉफिट थर्टी थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इफ ये चार केसेस दे रखे देखो मेरी आपने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो मतलब ये दोनों अगर क्लास आपने देखी है तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं इसका एक पार्ट करा दूंगा कोई सा भी ठीक है तो मुझे जो लगता है कौन सा कराना चाहिए ये हाँ, मैं पहले समझाता हूं क्वेश्चन क्वेश्चन आपको करके दिखाना है कि सी को जो गारंटी दी गई है वो सिक्स थाउजेंड की दी गई है और ये गारंटी अलग अलग केसेस में रखी है क्या आंसर होगा अगर ये गारंटी ए ने दे रखी हो क्या आंसर होगा अगर ये गारंटी सी ने दे रखी हो बी ने दे रखी हो क्या आंसर होगा अगर ये गारंटी ए और बी दोनों ने मिलकर दे रखी हो थ्री रेशियो टू में ठीक है तो हम क्या करते हैं बताओ कौन सा करा दो तो देखो ये अभी ऐसा क्वेश्चन तो मैंने फर्स्ट कराया है रेशियो वाला वहां इक्वली था यहां तो ये तो आप खुद भी कर लोगे अब बची दो बात ये दोनों बातें ए और बी की बात इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था कि अगर कोई पर्सनली गारंटी देता है तो क्या होगा चलो फिर भी मैं एक काम करता हूं एक करा देता हूं चलो ए का केस मैं करा देता हूं आप सी का यानी आपका होमवर्क जो हो जाएगा वो सी केस और डी केस आप दोनों करके देखेंगे ठीक है आइए केस में करा देता हूं सी का तो सोल्यूशन पार्ट सी तो सी वाला सोल्यूशन करते हैं तो वही अकाउंट बनना है आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर उसके कुछ वर्किंग नोट भी बनेंगे ठीक है बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि देखो धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी तो हमारी जो फेस टू फेस भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो कई बार ऐसा होता है कि मैं शेयर करना भूल जाऊंगा क्योंकि बिजी शेड्यूल होगा मैं शेयर करना भूल जाऊंगा कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना भूल गया या नहीं लगाया मैंने अपलोड कर दिया है ना तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फेसबुक पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए तो नेट प्रॉफिट आपके पास थर्टी का आ गया आगे बढ़ते हैं मैं डिस्ट्रीब्यूट करके देखता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखो वर्किंग नोट में ये मेरा वर्किंग नोट नंबर वन है तो बताओ प्रॉफिट का रेशियो कितना है इनका थ्री रेशियो टू रेशियो वन इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो ए बी और सी के केस में तो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थर्टी थाउजेंड रुपीज़ को तो थर्टी थाउजेंड ये हो गए थ्री बाई सिक्स यहाँ पर भी थर्टी थाउजेंड टू बाई सिक्स और यहाँ पर थर्टी थाउजेंड वन बाई सिक्स ठीक है वन बाई सिक्स तो ये हो गए थाउजन, टेन थाउजन और बोलो कोई दिक्कत आ रही हैं है उजेंड कम कम मिलेंगे लेकिन अभी एक्चुअली सी को कितने मिलने फाइव थाउजेंड मैंने पॉइंट नंबर सी कराया है सी में देखो मैंने गारंटी किसने दी है बी ने तो बताओ कितनी डिफिशियंसी आ गई की डिफिशियंसी आ गई ये देखो सी का गारंटेड अमाउंट क्या था बताओ गारंटेड अमाउंट सी का कितना है बेटा सिक्स थाउजेंड रुपीज का उसका एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट कितना आ रहा है एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट प्रॉफिट के अंदर उसका एक्चुअली जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है फाइव थाउजेंड रुपीज का तो बताओ कितने की डिफिशियंसी आ गई एक हजार की डिफिशियंसी तो ये जो डिफिशियंसी आई है डिफिशियंसी जो आई है वो बॉर्न बाई किसके द्वारा बॉर्न बाई बी क्योंकि मैंने बी वाला केस कराया है तो बॉर्न बाई क्या हो गया बी तो जो भी डिफिशियंस आई वो बी पे करेगा तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा बी के अकाउंट से डिडिट कर देंगे वन थाउजेंड और इसको क्या कर देंगे वन थाउजेंड प्लस कर देंगे ठीक है तो ये हो गए फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज यहां पर हो गए आपके नाइन थाउजेंड रुपीज और ये हो गए आपके पूरे पूरे सिक्स थाउजेंड रुपीज ठीक है अब यहां यहां पर दिखाना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल कर देंगे नाम आएगा इनका ए बी और सी तो ये फिफ्टीन थाउजेंड नाइन थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड इस चैप्टर के बाद हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर ठीक है अभी एक टॉपिक हमारा रहता है पास एडजस्टमेंट उसको करने के बाद हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे यानी इसी वीक में हमारा ये चैप्टर खत्म भी, भी हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट भी हो जाएगा ठीक है दूसरी बात है कि इसमें एक टॉपिक है मुझे पता है कि कई बच्चे कहेंगे सर आपने अभी कैपिटल अकाउंट नहीं कराया उसका टॉपिक देखो कैपिटल अकाउंट का टॉपिक जो आएगा वो एक ही वीडियो में आएगा बेटा

क्योंकि कैपिटल अकाउंट एग्जाम में इसलिए नहीं आता चैप्टर नंबर वन से क्योंकि रीजन ये कि चैप्टर नंबर थ्री से लेके चैप्टर नंबर सिक्स तक सब में कैपिटल अकाउंट ही बनाना है तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है तो चलिए दो क्वेश्चन हो गए आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे अभी इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा आपका इस टॉपिक का उसमें मैं सारे क्वेश्चन वो कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए थे ठीक है तो उन वो, वो वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी तो वो मैं करवाऊंगा ओके और मैं उसके साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दूंगा जो मुझे लगेगा कि एग्जाम में आए थे बट आप खुद भी कर सकते हो तो वो मैं आपको दे दूंगा आपको होमवर्क में करना होगा चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं इसका तो ये लो क्वेश्चन नंबर थ्री ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्वेश्चन नंबर थ्री असगर चमन एंड ढोलू अब बोलोगे सर कैसा नाम ले बेटा ये टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है आपके पास अगर टीएस ग्रेवाल है तो आप चेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन है इसके जस्ट आसपास एक क्वेश्चन और है ऐसा तो वो भी आप वो खुद भी कर सकते हो आप नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा कराऊंगा उसको ठीक है असगर चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन ए फर्म दे आर कैपिटल अकाउंट सिक्स लैख फाइव लैख एंड फोर लैख ऑन फर्स्ट अप्रैल ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तीनों का ठीक है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस फोर रेशियो टू रेशियो थ्री पार्टनर्स एंड टाइल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल

एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड मिनिमम वन लाख टेन थाउजेंड अब यहां पर देखो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटलूडिंग सैलरी यानी कहने का मतलब यह है कि वो ये कहना चाहता है कि सैलरी प्लस प्रॉफिट मिला के उसको एक लाख दस हजार मिलेंगे ठीक है और कोई भी अगर डिफिशियंसी आई तो उसको कौन पे करेगा असगर पे करेगा और पूरे साल का प्रॉफिट जो है फोर लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड है तो चलो सबसे पहले हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाते हैं और देखते हैं कि कितना कितना प्रॉफिट बच रहा है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हम गारंटी वाला टॉपिक को करेंगे पहले आप अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि इसमें गारंटी आप नॉर्मली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कैसे करते फिर हम लास्ट में गारंटी वाला टॉपिक कर लेंगे बेस्ट यही होता है करने का तरीका ओह लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कौन सी डेट का है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन का तो यहां पर आपके सामने पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट ठीक है तो नेट प्रॉफिट आपके सामने है फोर लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज का आगे बढ़ते हैं कुछ बातें और करते हैं इससे रिलेटेड सबसे पहले जो पेमेंट्स हैं वो देने शुरू करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आपको एट परसेंट के हिसाब से नाम है इनके असगर चमन और ढूलू ठीक है इन सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते तो एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं एट परसेंट का इंटरेस्ट देना है और कितनी है सिक्स थाउजेंड लैख फाइव लैख एंड फोर लैख तो करो कितना कितना आ गया एट फोटी एट थाउजेंड इसका कितना आ गया फोर्टी थाउजेंड और इसका कितना आ गया थर्टी टू थाउजेंड ठीक है इन तीनों का टोटल कर लेते हैं कितना हो गया अड़तालीस और, और दो साठ एक लाख तीस हज़ार चेक कर लेता हूँ एक लाख तीस हज़ार यार है क्या थर्टी टू थाउजेंड एक लाख बीस हज़ार सॉरी एक लाख बीस हजार फोर्टी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड प्लस थर्टी टू थाउजेंड तो ये हो गए टोटल वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ठीक है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हो गए आगे बढ़ते हैं सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी हमें एनुअली लेनी है ध्यान रखना इस बात का सैलरी एनुअल चाहिए और एनुअल के लिए ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई एनुअल का मतलब पूरे साल की सैलरी लेनी है आप देख लो तो इसमें सबसे पहले सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें सैलरी थी चमन की चमन चमन की थी, पर अगर पर चमन की थी थी अगर सैलरी तो पूरे साल हो गए, रुपीज, की की सैलरी सैलरी ठीक है और ढोलू थी पर क्वार्टर. तो पूरे साल में चार क्वार्टर होंगे तो ये हो गए ठीक है तो एट्टी फोर थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड बताओ कितना हो गया वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज ओके अब जो बचा उसको बांट सकते हैं तो जब बांटेंगे तो यहां गारंटी वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा तो सबसे पहले हम गारंटी वाले पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट बच कितना रहा है फिर हम गारंटी वाली बात करेंगे तो ये हो गए फोर लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज और यहां पर भी फोर लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज इसमें से इनको कर दो माइनस तो ये हो गए फोर लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज माइनस वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज और माइनस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज टोटल हो गए वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज ठीक है आप अकॉर्डिंगली हम फटाफट से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि उसको एक्चुअल शेयर इससे ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है ठीक है तो यहां पर आ जाओ जरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो रेशियो क्या था इनका एक बार मैं चेक कर लेता हूं रेशियो था फोर टू थ्री फोर रेशियो टू रेशियो थ्री तो इनका नाम था असगर चमन और ढोलू फटाफट से देखो इनका कितना कितना शेयर आ गया वो बचे थे वन लैख एटी थाउजेंड रुपीज वन लैख एटी थाउजेंड का फोर अपॉन में नाइन वन लैख एटी थाउजेंड टू में नाइन और वन लैख एटी थाउजेंड थ्री में नाइन तो यहां से करते हैं एटी थाउजेंड ये हो गए फोर्टी थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब जरा गारंटी वाली बात करते हैं तो इतना इतना शेयर इनका आ गया अब गारंटी वाली बात कर लो उसको गारंटी दे गई है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब मैं एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का मतलब समझा जा रहा हूं ध्यान से देखो बेटा देखो प्रॉफिट इस तरफ लिखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहां लिखा है तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड हो गया तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया और देखो सैलरी भी ऑलरेडी एक्सक्लूड है यानी प्रॉफिट में से ये एक्सक्लूड कर, एक्सक्लूड करके नेट प्रॉफिट प्रॉफिट में से ही तो हम रिमेनिंग निकाल रहे हैं कि जो पार्टनर से बटेगा तो ऑलरेडी हम ये एक्सक्लूड कर चुके हैं तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो एक्सक्लूडिंग बोल ही रहता है तो आपको कोई ध्यान दे रहा नहीं है अब वो कह रहा है इंक्लूडिंग सैलरी वो कह रहा है कि जो भी आपने सैलरी एक्सक्लूड करी थी उसको इंक्लूड करो यानी सैलरी इंक्लूड कर कर यानी अब यहां पर देखो मैं एक दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको चीज समझ में आए यहां पर देखो ये कहा गया है ढोलूज गारंटेड अमाउंट जो है डोलू का जो गारंटेड अमाउंट है इसमें दो चीजें हैं इसमें दो चीजें क्या क्या है एक तो सैलरी इंक्लूड करनी है और प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के उसको वन लैख टेन थाउजेंड रुपीज देना है ठीक है सैलरी कभी भी क्वेश्चन आपका एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग आया तो आपको एक्सक्लूडिंग पे ध्यान नहीं देना आपको इंक्लूडिंग पे ध्यान देना है ठीक है अब उसका एक्चुअल शेयर क्या आ रहा है बताओ एक्चुअल शेयर एक्चुअल शेयर दोनों मिला के सैलरी और प्रॉफिट मिला के तो सैलरी तो ढोलू की आ रही थी ढोलू की सैलरी आ रही थी फोर्टी थाउजेंड ढोलू की सैलरी कितनी थी फोर्टी थाउजेंड और ढोलू का प्रॉफिट का शेयर यहां से देखो कितना आ गया सिक्सटी थाउजेंड तो टोटल ढोलू का शेयर कितना हो गया वन लाख रुपीज अगर हम देखें तो डिफिशियंसी कितनी आई टेन थाउजेंड रुपीज के आपके सामने क्या आ गई डिफिशियंसी आ गई तो ये डिफिशियंसी के बारे में बात की गई थी कि अगर कोई भी डिफिशियंसी आएगी तो असगर पे करेगा अपने अकाउंट से ठीक है तो ये लो ये आ गई आपके पास डिफिशियंसी ये पेड बाई बॉर्न बाई असगर ये असगर पे करेगा तो हमें क्या करना है असगर के अकाउंट से टेन थाउजेंड डिडक्ट करने हैं और इसके अकाउंट में टेन थाउजेंड कर देने हैं प्लस तो इसका शेयर हो गया सेवनटी थाउजेंड रुपीज ठीक है अब यहां पर हम इसको दिखाना है और यहां भी हो गए सेवेंटी थाउजेंड तो सेवनटी थाउजेंड सेवन सेवनटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड और सेवेंटी थाउजेंड तो इसको यहां पर अकाउंट में दिखा दो येलो में दूसरे कलर से लिख देता हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ठीक है और नाम है इनके असगर चमन और ढोलो इसका आया था सेवेंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड और सेवेंटी थाउजेंड अब एक बार बच्चा कहता सर उसको तो एक देखो कई बार हाँ दिक्कत ये होती है जब मैं फेस टू फेस क्लास हूं तो बच्चा कहता है सर उसको तो कहा गया था वन लैक टेन थाउजेंड मिलेंगे लेकिन यहाँ तो सिर्फ सेवेंटी थाउजेंड आ रहा है बेटा देखो ये वन लैक टेन थाउजेंड दो चीज़ें थी प्रॉफिट और इंक्लूडिंग सैलरी तो आप सैलरी और प्रॉफिट को प्लस करोगे तो देखो वन ही आएगा सेवेंटी और प्लस फोर्टी वन हो गया ठीक है बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी एग्जाम के क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना और अगर आपको चीजें समझ में आने तो लाइक भी जरूर करें ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बाय